अब हम डिस्कस करेंगे अपनी ज्योमेट्री की शीट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 36 से, जहां से हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। अभी इसमें काफी सारे क्वेश्चंस बाकी हैं और अभी से आपके टफ क्वेश्चन होना शुरू हुए हैं, इसको भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। एग्जाम में इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको करा रहा हूं जिससे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बने एंड आपका बेस बने ज्योमेट्री का ना, अप्रोच मैं आपको यहां पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और जो तीन जितने भी मेथड पॉसिबल होते हैं सवाल के, मैं चाहूंगा कि आपको सारे के सारे मेथड डिस्कस करूं, क्योंकि ज्योमेट्री मेरा फेवरेट टॉपिक है तो हम उसको बढ़िया से पढ़ेंगे। चलिए, लाइक क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत आसान है कि इस टाइप से आपको फिगर दे रखी है। देखिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन इजी लगता है और आपसे हो गया तो आप उस क्वेश्चन को स्किप करके तुरंत आगे बढ़ जाइए, ठीक है ना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए, ये पी क्यू आर इस तरीके से रखा, इसमें दो पैरल लाइन दे रखी है आपको, दो पैरल लाइन इस तरीके से ए बी और सी डी, ए बी एंड सी डी आर टू पैरल लाइन, ठीक है भाई। चलिए, नाउ इसके बाद एंगल पी ई बी, ये एंगल दे रखा भाई आपको 70 डिग्री का एंगल दे रखा है, ये एंगल दे रखा है आपको 140 डिग्री का। आपसे पूछा है एंगल पी क्यू आर, यानी कि ये एंगल आपसे पूछा है एंगल पी क्यू आर एक्स डिग्री, एक्स की वैल्यू आपसे पूछे। सो बहुत कतई आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर देखोगे ध्यान से, ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, पैरेलल है। अगर ये 70 डिग्री का एंगल है तो ये भी 70 डिग्री का एंगल होगा, क्यों, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, 70 डिग्री 70 डिग्री। अब ये 140 डिग्री, तो ये एंगल भी आपका 140 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है, आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्ष अभिमुख कोण है 140 डिग्री। अब इस ट्रायंगल पर फोकस करो, इस कांटा ट्रायंगल में, ये कांटा ट्रायंगल में 70 140। तो मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था डायरेक्टली, मैंने बोला था कि इसका मैं यूज करूंगा। क्या रिजल्ट था, कि जैसे सपोज आपका कोई ट्रायंगल एबीसी हो, अगर मैं इसको यहां पे आगे बढ़ाऊं तो ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा, इसको आगे बढ़ाऊं तो ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा, और ये जो एक्सटीरियर एंगल, ये एक्स और वाई, इनका जो सम होगा वो क्या होता है, ये इंटीरियर एंगल बचा ना, बराबर 180 प्लस ए होता है इन दोनों एक्सटीरियर एंगल का सम, इसका और इसका सम कितना होता है 180 प्लस ए, सेम वही चीज है, ये एक्सटीरियर एंगल 70 और 140, तो 70 प्लस 140 यानी कितना 210 डिग्री हो गया। 210 डिग्री कब आएगा, जब ये तुम्हारा x क्या हो आपका 30 डिग्री हो, कब हो 30 डिग्री, 70 प्लस 140 कितना हो गया 210 डिग्री हो गया, और 210 मतलब 180 प्लस a यानी कि कितना होना चाहिए तुम्हारा 30 डिग्री होना चाहिए। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आपका 30 डिग्री, ठीक है, बहुत आसान सवाल था, गुड। नेक्स्ट, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 बढ़िया सवाल है, देखेंगे ध्यान से। स्टेप्स आपको दे रखा है एक फिगर, चलिए अभी दो चार दिन से ये झंझट खत्म हो जाएगा, ये बार बार बोर्ड फिगर बनाने का, मैं एक नई चीज प्लान करूं आप लोगों के लिए, ठीक है भाई, ओके। चलिए, नाउ ए बी सी डी, सो दिस इज ए, ये बी, ये सी और ये डी, ए बी सी डी, ठीक है। नाउ दिस इज ई, एंड इसको हमने आगे बढ़ाया और ये हो गया आपका एम, ये हो गया पॉइंट एन और ये हो गया आपका पॉइंट एफ। नाउ दिस इज जी एच, क्लियर है भाई, ये दिया है आपको 110 डिग्री का एंगल, ये दिया है आपको 7z एंगल, नाउ एंड दिस इज योर 2y एंड दिस इज योर 3x, क्लियर है। और आपसे पूछा है इसमें y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर माइनस 2xz अपॉन 2, ये पूछा है, ज्योमेट्री और अलजेब्रा मिक्स कर दिया मैंने इस क्वेश्चन में, ठीक है भाई। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन तो केवल तब सॉल्व होगा ना जब मैं x y z की वैल्यू निकालूंगा, और इसमें जो लाइनें पैरेलल दी हैं, ये AB पैरेलल है इसके, ये पैरेलल है GH के, पैरेलल है CD के, चारों लाइन के आपस में पैरेलल है। तुमने सॉल्व करके क्या करना है, बस एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली, बहुत आसान है निकालना। ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये कांटा लाइन का स्टेट है, 110 डिग्री का एंगल कितने का होगा, 70 डिग्री का होगा, ये एंगल 70 डिग्री का, ये एंगल है क्या 7z, तो 7z की वैल्यू क्वेश्चन में है 70 डिग्री, तो जेड कितना आ गया 10, जेड की वैल्यू कितनी आ गई 10, इसमें कोई दिक्कत, तो जेड की वैल्यू तो 10 आ गई यहां तक आसान में, ठीक है। नाउ ये 110 डिग्री है, ये तुम्हारा 70 डिग्री है, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए ये y और x की वैल्यू। अब सबको पता है कि ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, ये तुम्हारा 3x है और ये तुम्हारा क्या है 2y है, 3x है और ये क्या तुम्हारा 2y है, ठीक है। अब ये 3x है, ये 2y है, तो यहां से क्या निकल गया है, 3x प्लस 2y क्या होना चाहिए, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए आपका 180 डिग्री होना चाहिए, 3x plus 2y का सम क्या होना चाहिए आपका 180 डिग्री होना चाहिए, क्लियर, ओके। और यहां पर ये जो एंगल, ये एंगल छोड़ गया, ये एंगल दे रखा था 106 डिग्री, कितना दे रखा था 106 डिग्री, ठीक है भाई। ये 3x है, ये 2y है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, मैंने बताया था कि जैसे पैरेलल लाइन, तो इन दोनों का सम क्या होता है इंटीरियर, इन दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो यहां पे ये 3x plus 2y का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री। अब इसका यूज करते हैं, 106 डिग्री का एंगल है, कितने का एंगल है 106 डिग्री का एंगल है, अगर ये एंगल 106 डिग्री का है तो ये एंगल भी कितने का होगा आपका 106 डिग्री का ही होगा, क्लियर ना, ये एंगल कितने का होगा 106 डिग्री का एंगल होगा, क्लियर है, समझ में सबको बात है, 106 डिग्री को, क्यों, क्योंकि ये कहां पे अल्टरनेट एंगल है, 106 डिग्री 106 डिग्री, कोई दिक्कत इसमें 106 डिग्री 106 डिग्री। अब चाहे तो आप यहां पे जो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी दिखाई वही वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हो, इस तरीके से दिखाई दे रहा आपको, इसको मैं आगे बढ़ाऊं तो एंगल 106 का है, और इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो एंगल तुम्हारा कितने का है, ये एंगल आपका 110 का, 106 का 110 का, तो 106 प्लस 110 कितना होता है तुम्हारा 216, तो ये तुम्हारा एक्स, ये एंगल जो बचेगा कितने का बचेगा तुम्हारा 36 डिग्री का बचेगा, क्लियर है कि नहीं। अभी मैंने तुमको बताया प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी ये होती है कि ट्रायंगल में कि ये कोई ट्रायंगल एबीसी है, अगर आप इसको इस तरीके से आगे बढ़ाओगे तो इन दोनों का सम जो होता है वो क्या होता है 180 प्लस ए होता है, तो इन दोनों का सम, ये तो आप 106 है, ये 110 है, सम कितना बना है, सम बनना 216 है, तो एंगल कितने का होना 36 डिग्री का होना चाहिए, जबकि ये तो 3x है, तो 3x बराबर 36 आ गया, 3x बराबर कितना आ गया 36, यानी कि एंगल 3x जो है आपका 36 डिग्री का है, अगर 36 डिग्री का तो 2y कितने का है, 2y आपका 144 का है, 2y आपका 144 का है, क्लियर है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ी मैं, 2y आपका 44 का है, ओके। अगर 3x 36 है तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई,
अगर 2/144 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 72 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 72, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। हाँ, आपको क्या देखना कि पैरेलल लाइन पे अल्टरनेट करस्पॉन्डिंग जितनी विद्या है सब लगा देनी क्वेश्चन में। बट आपसे एक्स वाई जेड नहीं पूछा, आपसे तो एक्सप्रेशन पूछा है। आप इसमें वाई की वैल्यू रखो, एक्स की वैल्यू रखो, जेड की वैल्यू रखो, तो क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा और कैलकुलेशन को कम से कम करना होता है, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं। तो यहां पर अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इजीली लिख सकते हो वाई स्क्वायर, और ये है क्या भाई, ये तो तुम्हारा एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर है ना, क्या ये एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर है ना, इसका प्लस जेड इसका प्लस टू जेड, यदि मैं माइनस का ले लूं। अब ये क्या है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जो कि क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और अपॉन टू, ये हो गया ना। और वाई प्लस एक्स प्लस जेड, वाई प्लस एक्स प्लस जेड, 72 प्लस 12 84, 84 प्लस 10 कितना हो गया तुम्हारा 94, और वाई माइनस एक्स माइनस जेड 72 माइनस 12 60, 60 माइनस 10 50 इंटू 50 बाई 2, और 2 से 50 25 बार चला जाएगा, 25 चौका 100 की जीरो आंसर लगेगा, 25 में 225 और 10 235, क्या आएगा आंसर 2350, क्या आंसर इसमें 2350, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आसान क्वेश्चन था, ऐसा कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं था, इजी था, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, ये आज तक किसी भी बुक में आपको इतने टाइप के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे पैरेलल लाइंस पे, ये क्वेश्चन मैंने सारे खुद से क्रिएट किए हैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि पूरी ज्योमेट्री में पैरेलल लाइन का कांसेप्ट यूज होता है, तो आपको यूज करना आना चाहिए अल्टरनेट एंगल का, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का, तो इसलिए, ठीक है। लाइक अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 38, वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ अब आपके पास ये दे रखा है ट्राइंगल, ट्राइंगल एडीसी इस तरीके से दे रखा है, लाइक सो दिस इज योर ट्राइंगल, ट्राइंगल एडीसी, ओके, और इसमें एक लाइन रखी है पैरेलल ये बीसी, ठीक है, और यहां पे इस तरीके से इसको उठा रखा है, कलाकारी कर रखी है पूरी, ओके यार देखो, हे भगवान कब सीखूंगा मैं, ये हो गया यहां से और ये लाइक दैट, वेरी गुड, ये हो गया एफ जी, ठीक है भाई, और ये हो गया आपका बी, और ये हो गया क्या आपका ये ई दे रखा था ना, ए डी ई, एंड दिस इज योर बी सी, क्लियर है। चलिए दिस एंगल इज 61 डिग्री, दिस एंगल इज वाई डिग्री, जब तक मैं डायग्राम बनाऊं आप भी बना लिया करो, दिस एंगल इज 128, दिस एंगल इज 12y, एंड दिस एंगल इज x, एंड दिस एंगल इज z, क्लियर। आपसे पूछा है अंडर रूट 5 x माइनस जेड प्लस वाई का क्यूब अपॉन वाई और इसका होल अंडर रूट, ये आपसे पूछा है, और ये तो केवल तभी निकल पाओगे जब आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू पता हो, तो मेरा प्राइम टारगेट जो है वो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। सो बहुत आसान एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना, क्योंकि मुझे पता है कि ये तीनों लाइन क्या है आपस में पैरेलल है, ये तीनों लाइन क्या दी आपस में कुछ ने पैरेलल दी, एफ जी इज पैरेलल टू बी सी इज पैरेलल टू डी, और जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, अब देखना ध्यान से, ये 120 डिग्री का बीसी जो है पैरेलल है डी के, ये 120 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल अपने पास कितने का होगा 52 डिग्री का होगा कि नहीं, 52 डिग्री का एंगल होगा ना भाई, 120 प्लस 52 तभी तो तुम्हारा सम कितना आएगा 180 डिग्री आएगा ना, पता है सभी को पैरेलल लाइन की, यदि एंगल 128 डिग्री का तो 52 डिग्री 52 का होगा, इनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। अब ये एंगल मुझे पता चल गया, ये एंगल तुम्हारा 52 डिग्री है, नाउ FG जो है पैरेलल है DE के, और पैरेलल है एक सेकंड, FG जो है पैरेलल है DE के, ओके, FG जो है पैरेलल है DE के, तो ये जो 61 डिग्री का एंगल है, तो ये कंप्लीट एंगल भी 61 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, ये 61 डिग्री का, तो ये कंप्लीट एंगल भी तुम्हारा 61 डिग्री का होगा, अल्टरनेट एंगल है 61, अब ये पूरा कंप्लीट 61 है, ये 52 है, तो ये जो y बचा, ये जो y बचा, y कितना बचा 61 माइनस 52, यानी कि 9 डिग्री का एंगल बचा ना y, सो y कितना आ गया आपका 9, क्लियर है, y कितना आ गया 9, अगर y 9 है तो ये 12 निम्न 108 का होगा, 108 डिग्री का एंगल, क्लियर है, नहीं ये कितना होगा 108, अगर ये 108 डिग्री का है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो x कितना गया, x तो 72 डिग्री का आ गया, x कितने का है 72 डिग्री का आ गया, क्लियर, कोई डाउट इसमें। अब ये कंप्लीट ट्रायंगल, ट्रायंगल ADE है, जिसमें 52 है, ये 72 है, तो 7 5 12 और 2 2 4 124 डिग्री का होगा, कितने का होगा 124 डिग्री, और 124 डिग्री तो जेड कितने का बचा, जेड बचा 180 माइनस 124 यानी कि 56 डिग्री, तो जेड कितना आएगा 56, मुझे जेड भी पता है, मुझे एक्स भी पता है, मुझे वाई भी पता है, मैंने सब फाइंड आउट कर लिया, तो अब जो मर्जी है वो पूछ लो, क्लियर, आपसे पूछा है ये, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना, एक्स की जगह क्या चुपाओगे आप 72 माइनस जेड, जेड मीन्स दैट मीन्स 56 एंड वाई, वाई दैट मीन्स 9 का क्यूब अपॉन वाई, वाई दैट मीन्स 9, क्लियर है। चलिए नाउ 5 इंटू, सो दिस इज 72 प्लस 9 81 माइनस 56 यानी कि 5 इंटू 25 का क्यूब बटे 9, और ये हो गया स्क्वायर रूट, 25 का क्यूब का मतलब क्या होता है तुम्हारा, एक तो 25 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और 25 25 का रूट होता है 5, तो 5 बाहर आ जाएगा, यहां से बचेगा आपका रूट 5 और 9 का मतलब बचेगा आपका 3, तो 25 पंजे 125 रूट 5 बाई 3, 125 रूट 5 बाई 3, ये आपका करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन, क्लियर है, आसान सवाल है, ठीक है। चलिए नाउ अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, देखो क्वेश्चन नंबर 39 बहुत इजी है, इसको आप खुद से ट्राई करेंगे, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 को, चलिए लाइक क्वेश्चन नंबर 40, और इसमें आपको फिर से फिगर देखेंगे, पूरा फिगर बना दे रहा हूं यहां पे, लाइक सबसे पहले तो दिया है ये आपको एक ट्राइंगल, ओके द बिग ट्राइंगल, ठीक है, and this is P T M, okay, now यहां पे एक लाइन और दी है, और यहां पे this one, like, very good, चलिए, और ये है तुम्हारा R, ये है तुम्हारा Q, ये है तुम्हारा S, ये है तुम्हारा U, और ये है तुम्हारा O, चलिए P Q, P
PQ is parallel to RS is parallel to TU. PQ is parallel to RS is parallel to TU. ठीक है. इसके बाद PT is parallel to PT. Where is PT is parallel to RM. So किधर है PT? ये PT है. PT जो है is parallel to RM. ठीक है. PM is parallel to OR and this PM is parallel to OR. क्लियर दिखा दे रहा सबको. चलिए भाई आपसे पूछा है x plus y plus z बताइए. So this angle is y degree, this angle is x degree and this angle is 68 degree. And this angle is 3z degree and this angle is 137 degree. And I need to find x plus y plus z. Try to solve this beautiful question. ठीक है? This is not beautiful, this is very ugly. चलिए अब कैसे करेंगे क्वेश्चन को? क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं. चलिए लाइन पैरेलल दे रखी है, हमको x भी निकालना है, y भी निकालना है और z भी निकालना है. क्लियर है? देखिए अगर ये लाइन शुरुआत कहीं से भी कर दी, अगर ये लाइन RS और ये जो लाइन TU है, ये जो लाइन MU, अगर ये पैरेलल है और 137 डिग्री का एंगल है, 137 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल जो होगा, ये जो एंगल होगा, ये कितने का होगा? 43 डिग्री का होगा. कितने का? 43. 4 3 7 7 3 10. 43 डिग्री का एंगल होगा. समझ आया कि नहीं? कितने का एंगल होगा? 43 डिग्री का एंगल होगा. क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, 137 प्लस 43 180 डिग्री सम होना चाहिए. तो ये एंगल जो होगा अपने पास 43 डिग्री का होगा. क्लियर है कि? सो दिस एंगल इज 43 डिग्री. नाउ अब ये जो लाइन है और ये जो PT लाइन है, दोनों आपस में पैरेलल है. इस तरीके से दो लाइन रखें, ये दोनों के आपस में पैरेलल है. ये एंगल y है, ये 43 है. तो y की वैल्यू किसने के बराबर? 43 के बराबर. क्यों? क्योंकि ये क्या है? करस्पोंडिंग एंगल. तो मुझे y तो पता चल गया कि y मेरा 43 डिग्री है. चलिए अब मुझे चाहिए x. x कैसे निकालोगे? बहुत आसान है. ये देखिए दोनों आपकी पैरेलल लाइन है. ये दोनों क्या है? PQ और MU आपकी पैरेलल लाइन है. ये 68 डिग्री का एंगल है, तो ये पूरा एंगल कितने का होगा? पूरा एंगल कितने का होगा? 112 डिग्री का होगा. पूरा एंगल 112 डिग्री का होगा. ये 43 डिग्री है, तो x कितना आएगा? 112 माइनस 43. 12 में से 3 गए 9 और 10 में से 4 गए 6. x कितना आएगा तुम्हारा? 69 डिग्री. सो x कितना आएगा आपका? 69 डिग्री. और y कितना आएगा? 43 डिग्री. अब मुझे चाहिए z. अब मुझे चाहिए z. ये आपका ये 3z है. क्लियर ना? अब z निकालने में बड़ी समस्या होगी. चलिए इसको तो पहले मैं हटा दे रहा हूं ना. ठीक है ना? यहां तक बात समझ में ना? ठीक है. अब ये 3z आपको निकालना है. देखो z निकालने के बहुत सारे तरीके हैं. नाउ ये आपका ये पता है आपको, ये एंगल पता है और आपको ये 43, ये तो 43 डिग्री. ठीक है. नाउ ये दोनों लाइन क्या है आपस में? ये दोनों लाइन क्या दे रखी है? आपस में पैरेलल दे रखी है. ठीक है भाई. और ये दोनों लाइन जब आपस में पैरेलल दे रखी है, और यदि मैं इसको इस तरीके से आगे बढ़ाऊंगा, क्लियर है? इसको यदि मैं इस तरीके से आगे बढ़ाऊंगा, तो ये जो एंगल होगा आपका, ये वाला जो एंगल होगा, एक सेकंड, इसमें हमको फाइंड आउट करना है 3z. ओके, 137 डिग्री का. ठीक है, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट तरीका बताता हूँ. जैसे आपको ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल दे रखे हैं, ठीक है भाई. चलिए, और नाउ दिस एंगल इज 43 डिग्री. सो नाउ दिस एंगल इज अगेन 43 डिग्री. क्लियर है? दिस इज 43 डिग्री, 137 43. एंड नाउ दिस एंड दिस लाइन इज पैरेलल. तो दिस एंगल एक्स आई फाउंड आउट, दिस एंगल इज व्हाट? 69 डिग्री. दिस एंगल इज व्हाट? 69 डिग्री. ठीक है, तो 69, 43 और 137, तो कितना हो गया? 9 3 12 का 2 6 7 4 11 112 और 137, 7 2 3 4 102, 249 डिग्री. कितना हो गया? 249. सो 360 कंप्लीट है, उसमें से आप 249 को हटाओगे, 360 में से 249 को हटाओगे तो कितना आएगा? 111 डिग्री आएगा. कितने के बराबर? 3z के बराबर. तो z बराबर 111 / 3 यानी कितना आएगा? 37 डिग्री. z की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 37 डिग्री. इसमें कोई डाउट किसी को? क्लियर है? बस में ना, जेड के लिए कितनी आएगी? 37 डिग्री. ओके, चलिए. और भी इसका इजी मेथड हो सकता है कोई, वो देखने की कोशिश करते हैं. जैसे हम यहाँ पे चले, लाइक तो ये जो है इसको हटा देते हैं. ठीक, ये कितना दिया आपको? ये दिया आपको 43 डिग्री और ये मैंने निकाल रखा था 137 डिग्री. चलिए अब ये दोनों लाइन क्या है? आपस में पैरेलल दे रखी है. और अगर ये पैरेलल दे रखी है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल दे रखी है और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल दे रखी है, लाइक तो ये आसान तरीका, ऐसे ही निकालो, कोई दिक्कत नहीं. जेड के लिए मैंने कितनी निकाल दी? 37 निकाल दी. ओके, मुझे पता है ये 137 है पूरा का पूरा. ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका पूरा, ये इसके बराबर हो जाएगा. इसकी वैल्यू मुझे पता ही है, कितनी है बोलिए? 112 डिग्री इसकी वैल्यू. ठीक है, गुड आउट इसमें. तो ये पूरा सम करके 360 में से माइनस करते, जेड के लिए कितनी आएगी? 37 डिग्री आएगी. तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा 7 3 10 4 1 5 3 8 80 प्लस 69 यानी कि 149 डिग्री. तीनों का सम कितना एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना जाएगा? 149 डिग्री. गुड आउट इसमें किसी को? क्लियर है? आसान सवाल है. चलिए आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41. क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 41 ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसको ध्यान से देखना. ऐसे तो आप इसको ऑप्शन से इजीली कर सकते हो, इसमें कुछ है नहीं, पर फिर मैं आपको डिटेल में इसका सॉल्यूशन बताऊंगा. कि जैसे आपको दो पैरेलल लाइन दे रखे हैं इस तरीके से, ठीक है, दो पैरेलल लाइन इस तरीके से रखे हैं और एक इस तरीके से लाइन आपको खींची गई है. नाउ दिस, इसको यहां से इस तरीके से मिलाया गया है और यहां से इससे पास होने वाली और इससे पास होने वाली एक लाइन खींची गई है जो कि आपकी इस तरीके से है. इसको मैं थोड़ा यहां से मिला देता हूं, लाइक ठीक है. और एक पैरेलल लाइन जो है वो इसके यहां से खींची गई आपकी. ठीक, ओके. नाउ इनका नामकरण कर देते हैं. दिस इज पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट एम है, ये पॉइंट एन है, ये पॉइंट जी है, ये पॉइंट आपका एच है. ठीक है, चलिए. अब ये जो एंगल है, ये एंगल है 100 डिग्री का. ओके, नाउ और ये एंगल है तुम्हारा वाई डिग्री का, ये एंगल है तुम्हारा 58 डिग्री का और ये एंगल है, बस और कुछ नहीं दिया है. पूछा है इसमें क्या? पूछा है एक्स एंड वाई की वैल्यू पूछी है. एक्स एंड वाई, डी एच बराबर एच जी,
DH बराबर HG, ये जो लाइन DH है ये तुम्हारी HG के इक्वल है, DH और HG आपस में बराबर है, ये Y है और ये आपका X है। सो पूछा इसमें X एंड Y, X और Y की वैल्यू पूछिए, X और Y की वैल्यू आपस में क्या है, ठीक है। सो आसान सवाल है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा टफ तो है नहीं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यहां पे ध्यान से देखो तो ये y तो 58 डिग्री होगा, देखते क्वेश्चन खत्म, 58 डिग्री होगा y की वैल्यू, तो 58 डिग्री। और ऑप्शन में यदि आप ध्यान से देखो तो एक ही ऑप्शन ऐसा है इसमें y के लिए 58 डिग्री, डी ऑप्शन, बस आके सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आंसर आ गया, इतनी देर में क्वेश्चन खत्म हो गया। y की वैल्यू 58 डिग्री कैसे है, अब ये दो पैरेलल लाइन है और यहां पे इस तरीके से खींची गई एक लाइन जो कितने का एंगल बनाती है 58 डिग्री का, ये दोनों लाइन क्या है आपस में पैरेलल है। अब इसी लाइन के पैरेलल यहां से एक लाइन खींची गई है, क्लियरिंग, तो ये भी एंगल 58 डिग्री का होगा कि नहीं भाई, अगर ये 58 का है तो ये भी 58 डिग्री का होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये लाइन आपस में बराबर है तो ये 58 तो ये भी 58 होगा, क्यों, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा आपका करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, क्लियर है, सबको बात समझ ना भाई। जैसे फिर से बता रहे हैं ये दो पैरेलल लाइन है और यहां पे इस तरीके से खींचेगा ये एंगल कितने का 58 डिग्री, अब दूसरी पैरेलल लाइन इस तरीके से खींचेगी जो इसके पैरेलल है तो ये एंगल भी 58 का होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर ये 58 है तो ये भी 58 होगा और ये 58 है तो ये भी 58 होगा, क्योंकि क्या हो जाएगा आपस में करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, y के लिए 58 और एक ही ऑप्शन ऐसा जो तुमको y इक्वल टू 58 डिग्री देता है। अब लेकिन मुझको चाहिए x की वैल्यू, अगर x के लिए निकाल लियो तो ये 100 डिग्री का एंगल है और ये दोनों लाइन जो है भाई ये क्या है आपस में पैरेलल, तो ये भी एंगल कितने का होगा, ये पूरा का पूरा जो एंगल होगा तुम्हारा ये 100 डिग्री का एंगल होगा, 100 डिग्री का, सो दिस एंगल इज 100 डिग्री, क्लियर है। चलिए सो दिस ये पूरा का पूरा एंगल कितने का हो गया आपका 100 डिग्री का हो गया, चलिए बात समझे ना, ये 100 डिग्री का है। अब ये x, ये दोनों लाइन का है साइड आपस में बराबर है HG और ये HD, तो अगर ये x का है तो ये भी कितने का होगा आपका x डिग्री का एंगल होगा, दोनों x x होंगे, दोनों क्या होंगे आपके x x के होंगे, क्लियर है। चलिए नाउ अगर ये तुम्हारा 58 है, ये तुम्हारा 58 है और ये x x है, तो और ये क्या है, ये दोनों लाइन क्या है आपस में पैरेलल है, क्या आपस में पैरेलल है, और ये 58 डिग्री का एंगल है तो इस 100 डिग्री का है और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है। नाउ दिस इज योर 100 डिग्री एंगल, दिस इज योर 100 डिग्री। अब मुझको चाहिए जैसे ये x x है, अगर ये एक्सटीरियर एंगल मुझको मिल जाए, अगर ये एक्सटीरियर एंगल मुझको मिल गया, ये वाला एक्सटीरियर एंगल अगर मुझको मिल जाए तो क्वेश्चन खत्म, ये वाला एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि x plus x बराबर जिसके इक्वल होगा, मैंने बताया था कि जैसे कोई ट्रायंगल है, अगर ये तुम्हारा सपोज थीटा 1 है, तुम्हारा थीटा 2 है, तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू जो होती है थीटा 1 plus थीटा 2 के बराबर होती है, ये मैंने आपको बताया था। अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे पहले ये एक्सटीरियर एंगल चाहिए और ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये है कितना आपका, ये एक्सटीरियर एंगल है आपका 42 डिग्री, कितना है आपका 42 डिग्री, कैसे ये एंगल 42 डिग्री कैसे, अगर सपोज पॉइंट को मैं एक सेकंड के लिए ओ मान लूं, अगर आप ट्रायंगल इसकी बात करो ODH की, ट्रायंगल ODH की, जैसे ये हो गया आपका O, ये हो गया आपका D, ये हो गया आपका H और इसको मैंने यहां पे आगे बढ़ा रखा, तो ये 100 डिग्री का एंगल है, तो ये क्या है एक्सटीरियर एंगल है और ये कितने का है 58 डिग्री का, तो ये एंगल जो होगा ये 42 डिग्री का होगा कि नहीं, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है 58 प्लस 42, ये 58 है तो कितना बचा 42 का बचा, अगर ये एंगल 42 डिग्री का है, नाउ दिस एंगल इज 42 डिग्री और ये क्या है, ये इस ट्रायंगल का क्या है एक्सटीरियर एंगल है, अगर इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है तो x plus x बराबर 42, तो x कितना आएगा तुम्हारा 21 डिग्री, सो x की वैल्यू 21 डिग्री आई और y की वैल्यू कितनी है 58 डिग्री, क्लियर है, कोई डाउट इसमें, सो ये आसान सवाल था, आंसर क्या इसका डी ऑप्शन। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, चलिए लाइक क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, जैसे ध्यान से, इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CE, ओके, तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं, आपको एक ट्रायंगल दिया है, जैसे इसमें इसमें बना रखा है इस तरीके से एक ट्रायंगल, सो दिस इज C, ये E, ये D, CED, क्लियर है, और यहां पे इस तरीके से एक लाइन दे रखी है तुमको, ओके, और इस तरीके से दे रखी है, एंड नाउ इसको इस तरीके से यहां से मिला गया है और इसको यहां से, क्लियर है, ये सिंपल सी फिगर दे रखी है आपको, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है आपका B, ये पॉइंट है M और ये पॉइंट है आपका F, क्लियर है। नाउ दिस इज 100 डिग्री, ठीक है, और दिस इज W डिग्री एंड दिस इज 20 डिग्री एंड दिस इज Y डिग्री, क्लियर है ना, एंड दिस इज 5x plus 5 डिग्री, ठीक है, दिस इज 5x plus 5 डिग्री, क्लियर है, ओके, दिस इज Z डिग्री, क्लियर है ना, और ये जो एंगल होगा आपका ये होगा 4x minus 2 डिग्री, ठीक है, सो दिस एंगल इज, ये जो एंगल है ये तुम्हारा 4x minus 2 डिग्री, भाई पूरा का पूरा एंगल कितना 4x minus 2 डिग्री, ठीक है, सो दिस एंगल इज 4x minus 2, 4x minus 2 डिग्री, क्लियर है। चलिए और क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y माइनस z अपॉन x माइनस w माइनस 1, ठीक है, ये पूछा है y माइनस z अपॉन x माइनस w माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट, ये आपसे पूछा है, तो ये तो केवल तभी निकल पाएगा ना जब आपके पास x y z w की वैल्यू होगी और आपको जो लाइन पैरेलल दी है वो किसके पैरेलल दी है, AB जो है ये तुम्हारा CE के पैरेलल है, लाइन भी पैरेलल दी है इसमें, ये जो लाइन AB है ये तुम्हारा क्या है CE के पैरेलल है, दूसरा CD is parallel to EF और ये जो लाइन CD है ये आपकी EF के पैरेलल है, CD is parallel to EF, ठीक है ना, और यहां पे जो लाइन BM है ना ये भी पैरेलल ही होगी, इसमें लिखा नहीं कुछ मैं भूल गए हैं, जो लाइन BM है ये भी पैरेलल है तुम्हारी ED के, BM पैरेलल है ED के। अब तुमको क्या करना है, XYZW की वैल्यू निकालनी है, XY Z और W की, ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से, कहीं से भी शुरू कर दीजिए, ठीक है ना, W है और यहां पे ये x वेरिएबल है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों लाइन क्या है आपस में पैरेलल है, ये दोनों लाइन क्या है आपस में पैरेलल है, ये वाली और ये वाली पैरेलल है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये पूरे इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं, भैया जो लाइन BM है और ये जो लाइन ED आपस में पैरेलल है,
तो ये वाला जो पूरा एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। और ये वाला एंगल है क्या, ये वाला जो एंगल है ये 5x plus 5 डिग्री ही तो है, ये वाला जो एंगल है 5x plus 5 डिग्री को, क्योंकि ये जो लाइन AB है ये CE के पैरेलल है, तो ये दोनों के आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये 5x plus 5 डिग्री का एंगल है, और ये जो है ये भी तुम्हारा 5x plus 5 डिग्री का एंगल है, पूरा का पूरा एंगल कितना 5x plus 5 डिग्री, जबकि ये एंगल है क्या पूरा का पूरा 4x minus 2 plus 20, पूरा का पूरा एंगल है क्या 4x minus 2 plus 20, तो 4x minus 2 डिग्री plus 20 डिग्री बराबर है कितना, पूरा का पूरा एंगल यानी कि 5x plus 5 डिग्री। तो यहां से 5x minus 4x यानी कि x बराबर 20 माइनस दो यानी कि आपका 18 माइनस 5 यानी कि 13 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 13, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 13, क्लियर है ना, कोई डाउट इसमें, तो बहुत आसान है यहां तक, तो x की वैल्यू निकालना, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 13, क्लियर। चलिए सो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं आई गॉट x इक्वल टू 13। चलिए उसके बाद अब जो फोकस करते हैं, ये जो एंगल y है, ये जो एंगल y है तो सीधा का सीधा किसके बराबर होगा 20 डिग्री के बराबर होगा, y तो सीधा का सीधा 20 डिग्री के बराबर होगा, कैसे, क्योंकि ये दोनों लाइन BM और ये तो लाइन ED जो है आपस में पैरेलल है, BM और ED के आपस में पैरेलल है, और जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो y और ये 20 क्या हो गया आपस में अल्टरनेट एंगल हो गया, तो एंगल y किसके इक्वल हो गया 20 डिग्री के इक्वल हो गया, ठीक है। अब जो मुझे फोकस करना है वो फोकस करना है मुझे किस पे, W की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूं, W की वैल्यू कैसे, W की वैल्यू आसानी से निकाल लोगे, क्योंकि एक ट्रायंगल है ये 100 डिग्री का है, ये एंगल मुझे पता लग सकता है क्योंकि x की वैल्यू 13 है, तो 13 चौका 52, 52 माइनस 2 यानी कि 50 डिग्री, यानी कि ये एंगल है 50 का, ये एंगल है 20 का, तो पूरा का पूरा एंगल कितने का 70 डिग्री का, पूरा का पूरा एंगल कितने का ये 70 डिग्री का, पूरा एंगल 70 ये 100, 70 प्लस 100 170, तो W कितने का बचा 10 डिग्री का, सो W की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10 डिग्री, सो W इज व्हाट 10 डिग्री। अब मुझको चाहिए ये z, अब मुझको क्या चाहिए ये z चाहिए, ठीक है ना, ध्यान से देखो z कैसे निकालेंगे, ठीक z कैसे निकालेंगे, अब ये दोनों लाइन क्या दी हैं आपस में इस तरीके से पैरेलल दिए, ये दोनों लाइन के दिए आपस में पैरेलल दिए, अगर ये 100 डिग्री का तो ये पूरा का पूरा एंगल 80 डिग्री का होना चाहिए, भाई ये क्या हो जाएंगे आपके इंटीरियर अपोजिट एंगल कितने का होगा, अगर 100 डिग्री का तो पूरा का पूरा एंगल क्या होना चाहिए यहां से आता का 80 डिग्री का एंगल होना चाहिए, अगर ये पूरा 80 डिग्री का एंगल है, ये वाला पूरा 80 डिग्री का एंगल है, और ये ट्रायंगल में ये जो एंगल था, ट्रायंगल का ये जो एंगल था ये कितने का आपका 70 डिग्री का था, तो जेड कितने का बचा, जेड कितने का बचा, जेड 10 डिग्री का बचा, 70 माइनस 10 कितने का होगा, जेड जेड भी 10 डिग्री का बचा, भाई ये तो है पूरा का पूरा यहां से आता 80 डिग्री का, और ट्रायंगल का एंगल है 70, तो जेड कितना बचा 10, सो जेड की वैल्यू कितनी आ गई 10 डिग्री, z की वैल्यू कितनी आ गई 10 डिग्री। अब मुझे चाहिए ये y minus z upon x minus w minus 1, so y minus z 20 minus 10 यानी कि 10 upon x minus w यानी कि 13 minus 10 यानी कि 3 और minus 1 यानी कितना का तुम्हारा आंसर 7/3, so y minus z upon x minus w कितना का तुम्हारा 7/3, तो सबसे पहले हमने क्या किया xyz की इंडिविजुअल वैल्यू निकाली तब सॉल्व किया, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 बहुत ईजी है, बड़ा छोटा एंगल बताना है, इस क्वेश्चन का खुद से ट्राई करेंगे, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, जैसे मैंने बोला था कि इसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मैं कराऊंगा आपको ज्योमेट्री पे, ठीक है, तो समय भी थोड़ा ज्यादा लगेगा और आप खुद से भी एफर्ट मारोगे, ठीक है भाई, चलिए ओके। और सब लोग कल जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं कल इस नंबर पे 9911992509 ये नंबर है हमारा, इस पे कोई कॉल नहीं करेगा, सब लोग मैसेज करके व्हाट्सएप पे हमको बताएंगे कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, आप क्या उसमें सजेशन देना चाहते हैं, क्या चेंज चाहते हैं और क्या आपकी एडवाइस है और हाउ सेटिस्फाइड यू आर, हाउ मच सेटिस्फाइड यू आर, ठीक है, आपको इतना बताना है, ठीक है, और मेरी वेल विशेस आपके साथ हैं, सबकी जॉब लगेगी, सबका ब्याह होगा, ठीक है, देखेंगे। चले क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए बहुत आसान है भाई, इसमें आपको इस टाइप से फिगर दे रखी है कि यहाँ पे देखिए इस तरीके से ना आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका P, ये Q, ये हो गया आपका R, ये हो गया आपका S, ये हो गया आपका T और ये हो गया आपका U, चले ये हो गया आपका 20x plus 32, 20x plus 32, ये हो गया आपका 7x plus 12, ये हो गया आपका 5x plus 8, अच्छा पूछा क्या है इसमें एंगल पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी यानी कि ये एंगल थीटा आपसे पूछा है, ठीक है, और दिया क्या है कि एंगल जो पी क्यू है वो आर एस, सॉरी PQ जो है वो RS से क्या है पैरेलल है, ये दोनों लाइन क्या आपस में पैरेलल, अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा आपका थीटा होगा, लाइन आपस में पैरेलल तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा, बस क्वेश्चन खत्म, ध्यान से देखो, तो ये ट्रायंगल है USD, इसमें ये तीन एंगल है, तीनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, सम देखते हैं 20 प्लस 5 25 प्लस 7 कितना होगा 32x प्लस 32 प्लस 8 40, 40 प्लस 12 कितना होगा 52 बराबर कितना आएगा तुम्हारा 40 प्लस 52 बराबर कितना है आपका 180 डिग्री, सो 32x बराबर 180 माइनस 52 यानी कितना आ जाएगा 128, सो x बराबर 128 बटे 32 यानी कि 4 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 डिग्री, x 4 है तो ये जो एंगल है कितना जाएगा 20 और 80 प्लस 32 112 डिग्री का एंगल होगा, ये 112 डिग्री का एंगल होगा, अगर एंगल 112 डिग्री का है पूरी ये एक स्ट्रेट लाइन है तो थीटा होगा 180 माइनस 112 यानी कि 68 डिग्री, थीटा कितना जाएगा आपका 68 डिग्री, ये एंगल थीटा, ये भी थीटा कितना आपका 68 डिग्री, कोई डाउट इसमें, क्लियर। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 आपका बहुत बढ़िया सवाल है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन एवर क्रिएटेड ऑन पैरेलल लाइंस है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, चलिए 45 को मैं समझा रहा हूं आपको प्यार से, 46 को आप खुद करोगे प्यार से, चलिए तो इसमें आपको इस तरीके से फिगर दे रखी है, यस बहुत सुंदर आकृति है, चलिए और यहां पे ये इसको ये हमने बढ़ा दिया आगे, चलिए नाउ और यहां पे ये हो गया कलाकारी, गुड, नाउ दिस वन इस तरीके से है, वेरी गुड, और ये आपका इस तरीके से है, वेरी गुड, चलिए और ये आपका इस तरीके से है, वेरी गुड,
नाउ, और ये आपका इस तरीके से है सुपर, ये दिया है आपको पी क्यू आर एस एम सी डी एन यू टी ई वी ए बी, क्लियर भाई? दिस एंगल इज 75 डिग्री, ओके, दिस एंगल इज 37 डिग्री, दिस छोटू एंगल इज 37 डिग्री एंड दिस एंगल इज 120 डिग्री. नाउ दिस एंगल इज डब्ल्यू, दिस एंगल इज जेड, दिस एंगल इज वाई, ओके, एंड दिस छोटू एंगल इज एक्स, क्लियर है? मुझसे पूछा है अंडर रूट, कुछ ही पूछा हो वो तब सॉल्व होगा जब आपके पास एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू भी दिखाई दे रहा है ना आपको लोगों को, ठीक है? चलिए, इसमें लाइन पैरेलल दी है काफी सारी, क्या है, ए बी पैरेलल टू, ए बी इज पैरेलल टू आर टी, पैरेलल टू एमयू, पैरेलल टू सीडी. ए बी जो है आर टी के पैरेलल है, पैरेलल एमयू के, सीडी से आपको कोई मतलब नहीं है, सीडी का कोई यूज नहीं इस फिगर में, तो ये हमने हटा दिया, तीन लाइन के आपस में पैरेलल है, ओके. पी क्यू इज पैरेलल टू, पी क्यू जो है ये पैरेलल है आपको किसके, आर एस के, आर एस कौन सी लाइन है, इस लाइन के पैरेलल है, और पैरेलल है किसके, टी यू के, यानी कि इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है. एम एस इज पैरेलल टू एन ई, और ये जो लाइन एम एस है ये पैरेलल है आपकी एन ई के, क्लियर है? दिखाई दे रहा है ना सबको, जब मैंने एक एरो लगाया वो लाइन आपस में पैरेलल है, दो दो एरो लगाए वो आपस में पैरेलल है, तीन तीन एरो लगाए वो आपस में पैरेलल है. हमको निकालनी है एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू. देखो सबसे पहली बात, ये एंगल है जेड, देखते ही पता चल गया ये लाइन ए बी और ये लाइन जो नीचे दिखाई दे रही एमयू आपस में पैरेलल है, तो 120 डिग्री का एंगल, तो ये जेड कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा. जेड कितने का होगा, जेड होगा आपका कितना, 60 डिग्री का, पता चल गया जेड की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री. भाई ये दो पैरेलल लाइन है, ये इस तरीके से ट्रांसवर्स लाइन है, तो इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, अगर 120 का तो ये कितने का होगा, 60 डिग्री का एंगल होगा. चलिए, सो दिस छोटू एंगल इज भाई 60 डिग्री, क्लियर? हमको जेड पता चल गया. चलिए अब देखते हैं, मैं वाई भी आसानी से निकाल सकता हूं यदि मुझको ये एक्सटीरियर एंगल पता लग जाए, ये एक्सटीरियर एंगल यदि अगर मुझे पता लग जाए. अब मुझको पता है कि आर वी और एम यू दोनों के पैरेलल लाइन है, ये 37 डिग्री का एंगल है, तो ये कितने का होगा, 143 का होगा, क्लियर? नहीं, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए. भाई दो लाइनें एक आरवी एक एमयू इस तरीके से है, ये 37 डिग्री का, तो एंगल कितने का होगा, 143 का होगा. अगर 37 है तो कितना होना चाहिए, 143 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये 143 डिग्री का एंगल है. अब ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, ये क्या इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो ये 143 60 है, तो y कितना होगा, y तो 143 - 60 यानी कितना होगा, 83 डिग्री. सो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई आपकी 83 डिग्री, क्लियर? y की वैल्यू है आपकी 83 डिग्री. नाउ अब मुझको क्या चाहिए, अब हम फोकस करते हैं w की वैल्यू पे. w की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो, w की वैल्यू निकालोगे ध्यान से, तो w तो ये बीच में अटका पड़ा है, तो बीच में जो अटका पड़ा है अभी देखो इस तरीके से अटका पड़ा है कि ये दो पैरेलल लाइन है और w बेचारा अपने यहां पे है, ये आपका एंगल w है, ये आपका एंगल w जो बीच में अटका पड़ा है, तो w तो तब निकलेगा ना, w तो इसका और इसका सम होता है, w जो इसका और इसका सम होता है. मैंने बताया कि यदि दो पैरेलल लाइन है इस तरीके से, यदि मैं बना दूं इस तरीके से नुकीला सा कांटा, तो w जो इसका और इसका सम होता है, ये अल्फा ये बीटा, तो w बराबर अल्फा प्लस बीटा होता है कि नहीं, यहां से अगर आप स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो ये अल्फा बनेगा, स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो बीटा बनेगा, तो अल्फा प्लस बीटा ही होता है w. तो मुझे क्या करना है, ये एंगल और ये एंगल की वैल्यू निकालनी है, क्लियर भाई? चलिए अब कैसे निकालोगे, ये दोनों लाइन तो आपस में पैरेलल है, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल समांतर है, तो इस 37 डिग्री का है, तो ये एंगल भी कितने का होगा, 37 डिग्री का, क्योंकि लाइन के आपस में पैरेलल है, तो दिस एंगल इज 37 डिग्री. नाउ ये जो लाइन MS है, ये लाइन AN के पैरेलल है, ये दोनों लाइन के आपस में पैरेलल, तो अगर ये Z 60 डिग्री का, तो ये भी 60 डिग्री का होगा, कैसे, क्योंकि ये क्या आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल है, अगर 37 है तो ये भी 37 होगा, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल. अब W क्या बचा, W तो आपका फिर कितना होना चाहिए, W क्या होगा आपका 37 प्लस 60 डिग्री यानी कितना होगा 97 डिग्री, तो W कितना आ गया आपका 97, क्लियर ना? W की वैल्यू हमने कितनी निकाल दी, 97 डिग्री, दिस इज योर W. तो पूरा एंगल 75 डिग्री का होना चाहिए, अगर ये पूरा 75 डिग्री का है और ये 37 का है, तो x कितना बचा, x कितना बचा भाई, x बचा 75 माइनस 37 यानी कि कितना 38 डिग्री, x कितना बचा आपका 38, क्लियर ना? x के लिए कितना है कि 38 डिग्री, कोई डाउट है भाई, x इजी आ गया आपका 38 डिग्री, क्लियर? गुड. नाउ अब हम देखेंगे जो हमसे पूछा है, मैंने x y z w सब की वैल्यू आपको निकाल के बता दी, अब पूछा क्या है मुझसे, पूछा है ये अंडर रूट जेड माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस डब्ल्यू माइनस वाई का स्क्वायर, तो जेड माइनस एक्स यानी कि 60 माइनस 38 यानी कि 22, कितना 22 स्क्वायर माइनस डब्ल्यू माइनस वाई यानी कि कितना 14 स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो ए प्लस बी कितना आपका 36 और ए माइनस बी कितना आपका 8, ए माइनस बी कितना आपका 8, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये अंडर रूट, तो 36 का अंडर रूट 6 और 8 का अंडर रूट कितना 4 यानी कि 2√2, तो कितना आपका आंसर 12√2, कितना आंसर 12√2, क्लियर है? कोई डाउट है भाई इसमें, आसान सवाल है? चलिए नाउ अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर
46 तो आप खुद से ट्राई करोगे. क्वेश्चन नंबर 47. यस, क्वेश्चन नंबर 47 तो बहुत आसान सवाल है, बहुत इजी है. ठीक है, लाइक देखिए क्वेश्चन नंबर 47 बहुत इजी क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए. इसमें आपको पहले भी बताया होगा शायद कि यदि कोई ए ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, और इसमें साइड ए बी साइड ए सी के इक्वल है, तो उनके आमने सामने के एंगल यानी कि एंगल बी और एंगल सी, ये भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा. आइसोसेलस ट्राइंगल में क्या होता है, एंगल बराबर होते हैं. साइड ए बी जो है साइड ए सी के इक्वल है, ए से ए हटा दीजिए तो आपका एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के इक्वल हो जाएगा. इसका अपोजिट भी ट्रू होता है. लाइक जैसे कि ये ट्राइंगल ए बी सी है, यदि इसमें एंगल बी एंगल सी के बराबर है, एंगल बी एंगल सी के बराबर है, तो वर्टेक्स कौन सा बचा, ए वर्टेक्स बचा, ए ए चुपका दीजिए, यानी कि साइड ए बी भी किसके बराबर हो जाएगी, इसी के बराबर हो जाएगी. क्लियर, दोनों रिजल्ट हैं, दोनों आपको पता होंगे आइसोसेलस ट्रायंगल के केस में. चलिए अब इसी के ये क्वेश्चन बना है, बहुत आसान सवाल है. आपका एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, ठीक है. नाउ दिस इज योर ट्रायंगल एबीसी, ठीक है. अब इसमें PQ is parallel to BC, एक लाइन इस तरीके से है कि PQ जो है तुम्हारा पैरेलल है BC के, ठीक है. और उसके बाद QR is angle bisector, और ये जो तुम्हारा QR है ये angle bisector है, यानी कि अगर ये angle alpha है तो ये angle भी alpha होगा. बट ध्यान देने वाली बात ये है कि PQ जो है तुम्हारा BC के पैरेलल है, और दिया है आपको RC बराबर 15. सो RC की वैल्यू दिया है 15 सेंटीमीटर. आपसे पूछा है QC की लंबाई, ये QC कांटा दूरी, QC क्या है, QC क्या है, ये आपसे पूछा है QC की लंबाई. क्लियर ना, तो बहुत आसान क्वेश्चन है. अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, अल्टरनेट एंगल अल्फा अल्फा, अल्टरनेट एंगल अल्फा अल्फा इक्वल होते हैं. और ये अब ट्रायंगल ये अल्फा ये अल्फा, अब इस ट्रायंगल में बात करो RQC में, ट्रायंगल RQC में बात करो तो ये अल्फा ये अल्फा, तो कैसा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलस ट्रायंगल. आइसोसेलस ट्रायंगल में आमने सामने के जो कोण होते हैं, जो इक्वल कोण होते हैं, उनके आमने सामने भुजाएं क्या होती है, बराबर. यानी कि अगर ये 15 है तो QC भी कितना होना चाहिए, 15 सेंटीमीटर. आंसर आ गया, QC भी कितना होगा आपका, 15 होगा. क्लियर है, इजी था. चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48. क्वेश्चन नंबर 48 48, 49, 50 और ये 51, 52, ये पांचों सवाल जो हैं ये अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है. और मैंने खुद बनाए हैं ये पैरेलल लाइन पे, जो लेंथ वाले जो क्वेश्चन बनते हैं उस पे ये बेस्ड क्वेश्चन हैं, ठीक है ना. चलिए इनको ध्यान से देखेंगे. इस तरीके से हैं आपकी पैरेलल लाइन रखी है, मैं पहले पूरा फिगर ही बना लेता हूं. 1, 2, 3 और ये हो गया आपका 4, ठीक है, ये बन गया आपका, ठीक है. सीनियर टाइप की है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, दिस इज पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, और ये चारों क्या है, आपस में पैरेलल लाइनें समांतर रेखाएं हैं, ठीक है. इसमें पी आर दिया है 20, पी आर दिया है 20 सेंटीमीटर. देख पी आर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर. यहां पे मैं लिख रहा हूं 20, पी और आर के बीच में मैं दूरी लिख रहा हूं 20, दैट इज पी आर 20 हो गया. आर टी दिया 40, आर और टी के बीच में दूरी लिख रहा हूं मैं 40, तो आर टी 40 सेंटीमीटर हो गया. क्यू डब्ल्यू, क्यू डब्ल्यू और क्या दिया इसमें, टी भी 32 दिया है, टी से बी तक की दूरी आपकी दी है 32 सेंटीमीटर, ठीक है. और आपको दिया क्यू डब्ल्यू 84, क्यू डब्ल्यू की जो लंबाई है वो दी है आपको 84. तो यहां से यहां तक ये जो क्यू डब्ल्यू है, दिस इज 84, क्यू डब्ल्यू इज 84. क्लियर, आपसे पूछा है क्यू एस का मान ज्ञात करें, क्यू एस, क्यू एस मतलब आपसे फाइंड क्यू एस, कांटा दूरी पूछे क्यू एस, ठीक है ना. तो इसका कंसेप्ट मैंने आपको बता रखा है, सबको पता होगा. मैंने क्या बोला था कि यदि ये इस तरीके से पैरेलल लाइन है और मैं इस तरीके से ट्रांसवर्स लाइन खींच दूं, कहीं भी ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का जो रेशियो होता है वो हमेशा सेम होता है. दैट मीन्स यदि मैं ए बाई बी की बात करूं तो बराबर होगा तुम्हारा किसके, डी बाई ई के. मैं बात करूं ए बाई सी की तो बराबर होगा किसका, आपका डी बाई एफ के. जो करस्पॉन्ड जो लेंथ आप यहां पे ले रहे हो उसकी करस्पॉन्डिंग लेंथ आपकी दूसरी साइड में लेनी. अगर मैं बात करूं ए प्लस बी की तो उसके करस्पॉन्डिंग यहां पे क्या होगा, डी प्लस ई. मैं बात करूं बी प्लस सी की तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ई प्लस एफ. तो ये रेशियो भी क्या आपका इक्वल होगा. क्लियर है, सो वही प्रॉपर्टी मैं आपकी यहां पे अप्लाई करूंगा और आंसर आपका आ जाएगा विद इन सेकंड्स, ठीक. अगर ध्यान से देखो तो ये PR 20 है, RT 40 है, TB 32 है, तो ये किस रेशियो में है, PR RT 32, 4 से काटेंगे, 4 5 20, 4 से 11, 4 8 32, 5 अनुपात 11 अनुपात 8 के अनुपात में. ये PR RT और TB 5 अनुपात 11 अनुपात 8 के अनुपात में, तो QS SU और UW ये भी 5 अनुपात 11 अनुपात 8 के अनुपात में होगा कि नहीं. जो रेशियो ये है वही रेशियो ये होगा, ये सिमिलैरिटी से आता है, ठीक है ना. आपको अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि जो ये लेंथ सेगमेंट रेशियो होगा वही रेशियो होगा 5 अनुपात 11 अनुपात 8, यानी कि 11 प्लस 5 16 प्लस 8 टोटल. ये 84 को ब्रेक करना है ना 5 अनुपात 11 अनुपात 8 में, तो 11 5 16 प्लस 8 24 की वैल्यू कितनी आएगी, 84 सेंटीमीटर. तो एक वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7.5 सेंटीमीटर. और आपसे क्या पूछा है, QS की वैल्यू पूछिए, 3.5 आएगी ना, 3.5. आपसे पूछा है QS की वैल्यू, तो QS तो 5 यूनिट है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 into 3.5 यानी कि 17.5 सेंटीमीटर. तो QS कितना आया आपका, 17.5 सेंटीमीटर. क्लियर है, कोई डाउट इसमें, बहुत आसान सवाल था. चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 49. क्वेश्चन नंबर 49 देखिए बहुत आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है. आपको इस तरीके से दे रखी है तीन ट्रांसवर्स लाइन, एक ये हो गया, एक ये हो गया भाई, और एक आपका ये हो गया, ठीक है. चलिए
अभी सीधी भी नहीं होगी, चलो कर दी मैंने सीधी ना। अब इसमें खींचेंगे आपके चार, एक दो तीन, और ये होगी आपकी चौथी। गुड, देखा, वेरी गुड। यहां पे ये पॉइंट दे रखे हैं मेरे को, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये पॉइंट दे रखे हैं, और पी क्यू आर और एस, पी क्यू आर एस, क्लियर है। एसी, एसी कितना दिया है आपको, रंग बिरंगा कर दे रहा हूं मैं, एसी कितना दिया आपको 42 सेंटीमीटर, सो दिस डिस्टेंस इज 42 सेंटीमीटर। ईसी, ईसी कितना दिया आपको 24 सेंटीमीटर, क्लियर है। क्यू आर, क्यू आर दे रखा है आपको 36 सेंटीमीटर, और आर एस, आर एस कितना दिया आपको 42 सेंटीमीटर, क्लियर है। चलिए भाई, और क्या दे रखा है आपको 36 42, नथिंग। उसके अलावा क्या दे, और आपको दिया है बी एच 188, बी से एच तक की ये जो दूरी है ना, ये दी आपको 188, बी एच इज 188, क्लियर। पूछा क्या है इसमें, ईजी प्लस पी क्यू प्लस डीएफ, ईजी मतलब दिस कांटा, पी क्यू मतलब दिस कांटा, और डीएफ मतलब दिस कांटा, इन तीनों कांटा लेंथ का क्या पूछा आपसे, सम पूछा, यानी कि आपसे ईजी प्लस पी क्यू प्लस डीएफ, इसके बारे में पूछा, ईजी प्लस पी क्यू प्लस डीएफ, तो लेंथ निकालनी पड़ेगी। मैंने अभी समझाया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कि जैसे अभी ये कंसेप्ट है कि जैसे पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, क्लियर नहीं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, यानी कि ए से बी का रेशियो वही होता है जो सी से डी का अनुपात होता है, यानी कि यदि ए से सी आपका के गुना है, सो बी से डी भी आपका के गुना होगा, तभी तो रेशियो रहेगा। ए से सी सपोज आपका के गुना है, तो बी से डी भी आपका क्या होगा, के टाइम्स होना चाहिए, नहीं, बी से डी भी क्या होगा आपका, के टाइम्स होगा, क्लियर। तो यहां पे के टाइम्स होना चाहिए। अगर यहां पे ध्यान से देखो, ये 24 है 36 है, तो ये जो डिस्टेंस है 24 है 36, तो कितने गुना है, 1.5 टाइम्स है, 24 में तुम 150 गुना करोगे तभी तो 36 आएगा, तो कितने गुना है, 1.5 टाइम्स है, क्लियर है। तो ये भी तुम्हारा 42 से, ये डिस्टेंस भी तुम्हारी, ये जो पीक है, ये 1.5 टाइम्स होनी चाहिए, कि नहीं, क्या होना चाहिए, 42 से 1.5 टाइम्स होनी चाहिए, यानी कितना होना चाहिए, 63, कितना होना चाहिए तुम्हारा, 63 सेंटीमीटर होना चाहिए, 42 × 3/2 कितना होना चाहिए, 63 सेंटीमीटर। सो पी क्यू तो मैंने निकाल लिया, ये आपका आ गया 63, क्लियर है कि नहीं। प्लस अब ध्यान से देखो, ये 42 सेंटीमीटर ईजी है, तो ईजी से 1.5 टाइम्स ही तो है ये 42, ईजी का 1.5 टाइम्स ही तो रहा होगा 42, तो 42 सेंटीमीटर है भाई, कितना है ये 42 सेंटीमीटर, तो ईजी रहा होगा आपका 42 अपॉन 1.5, यानी कि कितना, 15 × 30 और 15 × 20 28, ईजी कितना रहा होगा आपका 28 सेंटीमीटर, 28 का 1.5 टाइम्स करोगे तभी तो 42 आएगा, तो ईजी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 28, है कि नहीं, 42 से 1.5 टाइम्स से 1.5 टाइम्स से 1.5 टाइम्स, तो ईजी कितना आएगा 28। नाउ अब मुझे चाहिए क्या, डीएफ, तो डीएफ तो ये है तुम्हारा इस लाइन सेगमेंट में पड़ता है बीएच में, लेकिन बीएच की तो टोटल लंबाई दे रखी है, मुझे तो सिर्फ डीएफ चाहिए, तो मुझे बीडी से डीएफ से एफएच का रेशियो निकालना पड़ेगा, तभी तो मैं रेशियो में ब्रेक करके आंसर निकालूंगा। तो जो रेशियो आपका एसी सीई और ईजी का होगा, वही रेशियो बीडी डीएफ और एफएच का होगा, ओके, जो लाइन सेगमेंट है इक्वल इक्वल रेशियो में डिवाइड होगा पहले लाइन की वजह से। सो 42 24 28 को यदि सिंपलीफाई करें, तो 2 से 21 बार, 2 से 12 बार और 2 से 14 बार, यानी कि 21:12:14 आया। सो आपका बीडी और ये डीएफ और एफएच भी आपका 21:12:14 के अनुपात में होगा, कि नहीं, 21 बीडी डीएफ और एफएच 21:12:14 के अनुपात में होगा, यानी कि टोटल 21 प्लस 12 33 प्लस 14 कितना 47। सो 47 यूनिट की वैल्यू कितनी 188 सेंटीमीटर, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी 4 सेंटीमीटर, एक यूनिट के लिए 4 सेंटीमीटर, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 × 4 यानी कि 48 सेंटीमीटर, यानी कि मुझे ये डीएफ भी पता लग गया कि डीएफ कितना है आपका 48, डीएफ कितना आपका 48, सो दिस इज 48 सेंटीमीटर। नाउ 8 × 11 = 19, 2 × 3 = 6, 9 × 4 = 13, 139 सेंटीमीटर टोटल समय है। तो दिस इज योर आंसर, ईजी प्लस पी क्यू प्लस डीएफ इज व्हाट, 139 सेंटीमीटर, क्लियर है भाई। चलिए, बहुत इजी सवाल था, बहुत आसान सवाल था। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50, ये थोड़ा बड़े बड़े फिगर वाले सवाल है, ठीक है, और मैं बड़े बड़े फिगर बना भी रहा हूं, ठीक है। चलिए लाइक क्वेश्चन नंबर 50, कुछ दिन में झंझट ही खत्म हो जाएगा फिगर बनाने का, ठीक, ओके। इसमें दिया है, इस तरीके से बनाया, इसमें तो ना तीन पैरेलल लाइन खींची, इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और जिस क्वेश्चन को बोले हम इंपॉर्टेंट है, दैट मींस वो इंपॉर्टेंट है, आप उसको ध्यान से देखेंगे। चलिए पैरेलल लाइन पे अच्छा सवाल बनता है, ठीक है, और ये हो गया ना इस तरीके से, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी डी ई एफ, सो दिस इज ए बी सी डी ई एफ, और ये तीनों लाइन क्या है आपस में पैरेलल है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। आगे क्या दिया है, ए बी 29, सो ये ए बी की वैल्यू दी है 29 सेंटीमीटर, और क्या दिया है EF, EF दिया है आपको 57, EF दिया है 57 सेंटीमीटर, this is 57 सेंटीमीटर, क्लियर। AC बराबर 3/4 CE, AC बराबर 3/4 CE, यानी कि AC से CE का अनुपात जो आ गया वो 3:4 आ गया, यानी कि यदि AC 3 है तो CE जो है ये तुम्हारा, CE जो है ये तुम्हारा 4 है, 3:4 के अनुपात में AC और CE, क्लियर है भाई। AC और CE जो है ये आपके 3:4 के अनुपात में, सो BD से DE का अनुपात भी फिर 3:4 ही होगा, वैसे तो BD से DE का अनुपात कितना होगा, ये भी आपका 3:4 ही होगा, क्लियर है, ओके। और आगे क्या दिया है, BD is 8 सेंटीमीटर लेस देन DF, BD की जो लंबाई है वो DF से
8 सेंटीमीटर कम है. देन फाइंड इज सीडी, और आपसे पूछा है सीडी. सीडी मतलब ये कांटा डिस्टेंस मुझसे पूछे सीडी, और इसके लिए मैंने बताया था आपको फॉर्मूला बताया था, और फॉर्मूला नहीं लगाना है वो भी मैंने आपको बताया था. मैं इसका दूसरा तरीका बताऊंगा वो, लेकिन आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. जैसे इस तरीके से होता है, इस तरीके से मैंने बोला था कि यदि स्मॉल ए है ये स्मॉल बी है, ये आपके स्मॉल बी है आपके स्मॉल ए है, और ये जो रेशियो आपका एम रेशियो एन है, तो ये जो कांटा दूरी होती है ना, एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हो, सॉरी n की मल्टीप्लाई किसमें करोगे, a में n a, और m की मल्टीप्लाई किसमें करोगे, b में, यानी कि mb, और अपॉन क्या लिख दोगे, रेशियो का सम m plus n. यही तरीका बताया था कि नहीं, n की मल्टीप्लाई करोगे a में, n की मल्टीप्लाई करोगे b में, और नीचे क्या लिखोगे, रेशियो का सम, यानी कि m plus n. क्लियर है? चलिए ना, सेम चीज हम यहां पे करें अगर, तो यहां से cd की लंबाई क्या निकल आएगी, फिर cd की लंबाई निकल आएगी वही 4 की मल्टीप्लाई किसमें करोगे आप, 29 में, सो 4 into 29 प्लस 3 की मल्टीप्लाई किसमें करोगे, 57 में, 3 into 57 अपॉन रेशियो का सम, यानी कि 3 plus 4, दैट मींस 3 plus 4. क्लियर? 4 into 29 plus 3 into 57 अपॉन 3 plus 4, तो 29 चौका कितना 116 प्लस 171, 3 7 21 और ये 3 5 15 अपॉन 7. ठीक है, 6 7 7 287 अपॉन 7, यानी कि 41. सो सीडी की लंबाई कितनी आ गई आपकी, 41 सेंटीमीटर. सीडी कितना आपका, 41 सेंटीमीटर. क्लियर? इसमें कोई डाउट है? इस तरीके से आप फॉर्मूला लगा के कर सकते हो. बट मैं आपको इसकी दूसरी अप्रोच बताता हूं, जिसको आप अदर टॉपिक्स में भी यूज करोगे, हम ट्रेपेज़ियम वगैरह में भी लगाएंगे. अब ये तीनों क्या है, आपस में पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन के बीच में इस तरीके से लेंथ को डिवाइड कर दिया गया. जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, 29 से 57 तो बड़ा हो रहा है, जैसे हम नीचे की तरफ आगे जा रहे हैं तो गैपिंग भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है. और ये 3:5:4 का रेशियो रखा, तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग आपकी गैपिंग क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है. ठीक है ना, इस तरीके से बढ़ती 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 जा रही है. ठीक है, तो ये 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, मुझे पूछा सीडी. अच्छा, ए से सी तक 3 यूनिट दिया है, सी से ई तक 4 यूनिट दिया है, तो ए से सी तक 3 है, तो हम इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. ये एक पार्ट हो गया, ये दो पार्ट हो गया, 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया. और ये सी से ई तक दिया 4, तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, और इस तरीके से तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट, 4 पार्ट में, इसको 3 पार्ट में, 1 2 3. क्लियर है कि नहीं? ये 3 रेशियो में डिवाइड कर लिया हमने, और ये हमने कितने में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4 4. ठीक है ना, ये 3 4 तो हमने इस तरीके से डिवाइड कर लिया. अब 29 और ये तुम्हारा कितना है, 57. ये 29 और 57, ये देखो जैसे 29 से 57 नीचे की तरफ आते जा रहे, तो देखो डिस्टेंस बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, यानी कि 57 और 29 के बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का जो लेंथ गैप है, दैट मींस 28 सेंटीमीटर. 57 माइनस 28 सेंटीमीटर, यही क्या होता है आपका, इन पैरेलल लाइन के जो सेगमेंट उनमें क्या होता है, डिवाइड होता है, और आगे की तरफ क्या होता है, बढ़ता जाता है. दैट मींस 28 सेंटीमीटर जो 3 plus 4, यानी कि 7 यूनिट के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है. तो 7 की वैल्यू 28, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 4 सेंटीमीटर. This is 29 सेंटीमीटर, 57 सेंटीमीटर. तो इनके बीच का जो लेंथ गैप है, 28 सेंटीमीटर. यही तुम्हारा इस 3:5:4 के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है, यानी कि 7 के वैल्यू 28, तो 1 के लिए 4 सेंटीमीटर. जैसे ही हम 1 यूनिट आगे बढ़ते हैं, आपका जो लेंथ है ये कितना बढ़ जाता है, 4 सेंटीमीटर बढ़ जाता है. दैट मींस अगर ये 29 है, तो ये तुम्हारा प्लस 4 यानी कि 31 होना चाहिए, और ये आपका प्लस 4 यानी कि कितना, 35 होना चाहिए, और ये आपका प्लस 4 यानी कि कितना, सॉरी 29:4, ये आपका 33, 29:4 33, और ये 4 आपका 37, और 37 और 4 कितना होना चाहिए आपका, 41 सेंटीमीटर होना चाहिए. क्योंकि सीडी की जो लंबाई आएगी वो कितनी आएगी, 41 सेंटीमीटर. 29 ये प्लस 4 कर दोगे आप, तो कितना आएगा 33 सेंटीमीटर, प्लस 4 करोगे तो कितना आएगा 37 सेंटीमीटर, और प्लस 4 करोगे तो कितना आएगा 41 सेंटीमीटर. इजीली कर सकते थे, 57 माइनस 29 यानी कि 28, 7 यूनिट के लिए 28, 1 यूनिट के लिए 4, तो प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 करते चले जाएंगे. नीचे से भी शुरू कर सकते थे, ये 57 माइनस 4 हो गया, ये माइनस 4 हो गया, जैसे ऊपर की तरफ जा रहे तो लेंथ कम होती जा रही ना, ये माइनस 4 हो गया, ये माइनस 4 हो गया, तो हुआ क्या, 57 माइनस 16 हो गया, जो कि कितना होता है, 41 सेंटीमीटर होता है, वहां से भी निकाल लोगे. क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो ये आपका आसान क्वेश्चन था. चलिए, इजी है. नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51. क्वेश्चन नंबर 51 भी आपका पैरेलल लाइन के कांसेप्ट पे ही है, लेंथ वाले पे. ओके, इस तरीके से आपको 1 2 3 4 5 पैरेलल लाइन दे रखी है. एक ये आपका सेकंड वन, ठीक है, चलिए. और उनकी क्या दी है आपको, दो ट्रांसवर्स लाइन दी, एक आपका इस तरीके से हो गया, और एक आपकी दूसरी ट्रांसवर्स लाइन आपकी इस तरीके से होगी. क्लियर है? चलिए नाउ, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए बी सी डी ई एफ, और ये हो गया आपका जी एच, एंड दिस इज आई जे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे. ठीक है, और ये डिस्टेंस दी आपको 15 सेंटीमीटर. 15 सेंटीमीटर कौन सी डिस्टेंस दी है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर का मतलब है इन दो पॉइंट के बीच की दूरी, ये दूरी जो है ये 15 सेंटीमीटर दी है. ये दी है आपको x, चलिए, ये दूरी दी आपको 25 सेंटीमीटर, एंड दिस वन इज इक्वल टू दिस, यानी कि जो BD है वो आपका ये जो GI जो डिस्टेंस है इसके इक्वल है. क्लियर है ना, ये BD, ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या दे रखे हैं आपको, आपस में इक्वल दे रखे हैं. क्लियर ना, दिस दिस वन एंड दिस वन इज इक्वल. क्लियर? ओके, नाउ DF कितना दिया आपको, 27. ये DF दिया आपको 27, और ये FH कितना दिया है, Y, और HG कितना दिया आपको, 60 सेंटीमीटर.
क्लियर है 27 वाई और 60। ओके आपसे पूछा क्या है, इसको लिख देते हैं, ये 27 सेंटीमीटर, ये वाई सेंटीमीटर और ये 60 सेंटीमीटर। पूछा क्या है आपसे, एक्स प्लस वाई, सो एक्स ये है वाई ये है, सो आपसे एक्स प्लस वाई की वैल्यू पूछे कि बताइए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, पैरेलल लाइन का कांसेप्ट मैंने आपको बता रखा है, पैरेलल लाइन में क्या होता है, करेस्पोंडिंग लेंथ का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। मतलब अगर ये 15 से के टाइम्स है तो ये भी के गुना होगा, ये भी के गुना होगा, ये भी के गुना होगा, लेकिन 15 से आपको पता नहीं है क्या है, आपको पता नहीं क्या रेशियो है, आपको पता नहीं क्या रेशियो, आपको पता नहीं क्या रेशियो, आपको रेशियो पता ही नहीं है, आप रिलेशन बता ही नहीं पा रहे हो कि 15 से कितने गुना है, ये कितने गुना है, ये कितने गुना है, ये कितने गुना है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, अब मैंने ये भी बोला कि करेस्पोंडिंग लेंथ का रेशियो बराबर होता है, अगर ध्यान से देखो तो जी आई और ये बी डी इक्वल है, यानी कि अगर ये के है तो ये भी आपका के है और ये चारों पांचों के आपस में पैरेलल लाइन है, सो ये 15 सेंटीमीटर एक डिस्टेंस है, उसके करस्पॉन्डिंग इधर क्या है के, सो 15 का करस्पॉन्डिंग क्या है के, ये आपकी के एक डिस्टेंस है, उसके करस्पॉन्डिंग इधर क्या है आपका 60, सो 15 से के का अनुपात वही होगा जो के से 60 का अनुपात होगा, ये 15 से के का अनुपात वही होगा जो के से 60 का अनुपात होगा, क्योंकि ये क्या आपस में करस्पॉन्डिंग लेंथ है, 15 करस्पॉन्डिंग के और के 60, 15 रेशियो के बराबर के रेशियो 60, यहां से आप के इंटू के यानी कि के स्क्वायर बराबर हो गया 15 छक्का 90 900, सो के की वैल्यू कितनी आगी 30, के की वैल्यू 30 आगी, यानी कि दिस इज 30, दिस इज 30 सेंटीमीटर एंड दिस इज योर 30 सेंटीमीटर। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब आप ध्यान से देखो ये 15 है ये 30, यानी कि कितने गुना आपका 2 टाइम्स है, कितने गुना आपका 2 टाइम्स है, क्लियर नहीं, अगर ये 2 टाइम्स है तो ये भी आपका 27 भी x से 2 गुना होगा, यानी कि 27 सेंटीमीटर को x के लिए 27 बटे 2 यानी कितनी होगी 13.5 सेंटीमीटर x के लिए होगी, x कितना होगा 13.5 सेंटीमीटर, ये तो ऑलरेडी 2 गुना है, ये तो होगा 30 60। अब ये जो है 25 है, ये 25 से क्या होना चाहिए ट्वाइस होना चाहिए, सेम रेशियो मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 के टाइम्स है, तो हर डिस्टेंस क्या होगी आपकी के टाइम्स होगी, सो 25 गुना 2 यानी कि y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, y की वैल्यू होनी चाहिए आपकी 15, y की वैल्यू कितनी आगे आपकी 50 आगे, ठीक है ओके, सो y आगे आपका 50 और x आपका 13.5, तो 13.5 प्लस 50 यानी कि x प्लस y आगे आपका 63.5 सेंटीमीटर, x प्लस y कितना आपका 63.5 सेंटीमीटर, यानी कि b ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, आपको बस थोड़ा सा इसमें ऑब्जर्व करना था, और ये मैंने आपको क्वेश्चन 3-4 करा दिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।